एक लड़ाई लेकिन सोशल मीडिया को लेकर के भी है, न्यू मीडिया। ये जमाना न्यू मीडिया का है। आज ऐसा कौन है जो सोशल वेबसाइट से परिचित नहीं हो, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारी चीज। दुनिया की एक बड़ी आबादी अब अपना कीमती वक्त इन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर ही गुजारने लगी। इन वेबसाइट्स की कई खूबियां हैं। सबसे पहली बात तो आपको बंधक बना लेती हैं, आप देखते ही रह जाते हैं, यूं 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 करते रह जाते हैं। इन्होंने दुनिया को नए तरीके से जोड़ा भी है। बुरी बातें भी हैं, अच्छी बातें भी हैं, बहुत लोग बिजनेस करते हैं इस पर। सूचनाओं का प्रचार इनके जरिए बहुत ही तेज हो गया है और सब तक सूचनाओं को पहुंचाते भी हैं। लेकिन ये बताना जरूरी है कि कई अच्छाइयां होने के बावजूद इन सोशल वेबसाइट्स और सोशल मीडिया ऐप्स पर ज्यादा समय गुजारना कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि कई लोगों के लिए तो ये एक लत की तरह है, आदत लग जाती है। मेडिकल जगत के लोग हों, समाज शास्त्री वगैरह, सब ये सचेत भी करते रहते हैं कि आप सोचिए इसमें डोपामाइन रिलीज होता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप देखते चले जाएंगे। और क्या आप जानते हैं कि ये लत दरअसल किसी की कमाई का जरिया है या जरिया था? जो कंपनी इन सोशल वेबसाइट्स को चलाती हैं, उनकी कमाई तो इसी बात से होती है कि आपको लत लग जाए, आप देखते रहें, फोन ही ना रखें। और इन कंपनियों के जरिए कई इन्फ्लुएंसर भी पैसा कमाते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ सोशल नेटवर्किंग साइट्स, खास तौर पर फेसबुक की, जो दुनिया में सबसे लोकप्रिय, सबसे बड़ी। फेसबुक की मालिक कंपनी जो है, जिसका नाम है मेटा, जो इंस्टाग्राम भी चलाती है, व्हाट्सएप भी चलाती है, और इसके संस्थापक हैं मार्क जकरबर्ग। साल 2022 के अंत में फेसबुक के करीब 3 अरब यूजर थे। सोचिए, 3 अरब, यानी दुनिया की आबादी के 1/3 से ज्यादा लोग या यूजर्स फेसबुक पर थे। दुनिया में फेसबुक के सबसे ज्यादा यूजर भारत में है, और आप समझ जाएंगे मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं। करीब 33 करोड़ यूजर, यानी लगभग हर चौथा भारतीय फेसबुक इस्तेमाल करता है या उसका अकाउंट है। फेसबुक की सिस्टर कंसर्न, यानी कि फेसबुक की तरह ही एक और कंपनी है इंस्टाग्राम, उन्हीं लोगों की कंपनी है, वो युवाओं को बहुत लोकप्रिय लगती है। इसके दुनिया में 1 अरब 37 करोड़ यूजर है। हिंदुस्तान में कितने हैं? 22 करोड़ 90 लाख यूजर यहीं अकेले हिंदुस्तान में। अब इनकी प्रतियोगिता है ट्विटर से, जिसके मालिक हैं अब जो हो गए हैं इलॉन मस्क। हालांकि देखिए, ट्विटर जो है वो अब आपको आंकड़ों से समझ में आएगा कि कितना छोटा है। 36.80 करोड़ पूरे दुनिया में यूजर हैं, कहां 33 करोड़ तो फेसबुक के हिंदुस्तान में ही है और 36 करोड़ यहां पूरे दुनिया भर में। ट्विटर के दुनिया में, जैसे कि हमने आपको बताया, 36 करोड़ हैं, लेकिन भारत में इनके यूजर सिर्फ 2.5 करोड़। इसकी आप फेसबुक से तुलना कीजिए। ये आंकड़े हम आपको क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता लग जाए कि दुनिया में कितने लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। और ट्विटर में जब ये तय किया गया कि अब भाई हम पैसा लेंगे, पैसा ले करके उसके बाद ब्लू टिक दे देंगे ताकि आपको ये लगे कि मैं वेरीफाई हूं, ब्लू टिक है मेरे पास, तो ट्विटर भले ही छोटी कंपनी है, लेकिन उसका ये प्रयोग शायद टेक जगत में ये महसूस किया गया कि ये तो कामयाब जगत है, पैसा बन रहा है। तो फिर फेसबुक, जिसके इतने सारे लोग हैं, यूजर्स हैं, उसने सोचा हम भी यही गेम। फेसबुक की यूजर्स की संख्या के हिसाब से विज्ञापनों से पहले की काफी कमाई हो रही है, यानी कि जितना उनका बेस था वो आपका ही। बात यही थी ना कि आप फ्री में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपका डेटा यूज करते थे, आपको ऐड देते थे, उसके हिसाब से उनको पैसा बन रहा था। लेकिन क्या किया एप्पल और बहुत सारी कंपनियों ने, एक फीचर बना दिया जिसे कहते हैं आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक, यानी कि आपके हाथ में है कि आप ये धंधा बंद कर दे। उससे होने लगा फेसबुक को लॉस। अब वो उस तरीके से पैसा नहीं निकाल पा रहा था। फेसबुक के यूजर्स अब अगर ब्लू टिक चाहते हैं तो उन्हें पैसा देना होगा। तो ये नया एक सिस्टम फेसबुक ने शुरू किया है, ट्विटर का देखा देखा। ब्लू टिक का मतलब क्या है? यूजर्स की विश्वसनीयता को वेरीफाई किया जाता है।
फेसबुक किसी गवर्नमेंट आईडी के जरिए विश्वसनीयता की जांच करेगा और जिसे ब्लू टिक दिया जाएगा उसे कई और भी फायदे होंगे। मतलब एक ब्लू टिक तो आपको मिल ही गया, उसके साथ साथ आपको आपका पोस्ट जो है वो ज़्यादा बूस्ट किया जाएगा, देखा जाएगा, लोगों को तक ज़्यादा पहुंचाया जाएगा, उसे अच्छा कस्टमर सपोर्ट मिलने की बात की जा रही है। लेकिन अभी इसकी शुरुआत सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में की जाएगी, हिंदुस्तान में ये नहीं आया है। और अब आती है टेढ़ी बात, क्योंकि ये पेड सर्विस है तो फेसबुक का जो ब्लू टिक है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शुरू होगा $11.99 का। अब आप जोड़ लीजिए डॉलर का रुपए में कन्वर्ट करके, तो आपको लगेगा ये तो बहुत महंगा है, इतना पैसा क्यों दें फेसबुक इस्तेमाल करने के लिए। अब इलॉन मस्क की जो ट्विटर है वो खरीदने के साथ उन्होंने भी ये शुरू कर दिया था, उन्होंने ये नियम रखा था कि मैं तो $8 लूंगा सब्सक्रिप्शन फीस। फेसबुक ने अपना साइज देखते हुए बोला हम तो $12 लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ब्लू टिक विश्वसनीयता का पैमाना माना जा सकता है। इलॉन मस्क ने जब ट्विटर के ब्लू टिक के लिए पैसा लेना शुरू किया था तो उन्हें तब इसे रोकना पड़ा। शुरुआत में तो बहुत बखान किया कि हम मतलब लिबरलाइज कर देंगे और ये जो एक ऑर्डर चला आ रहा है कि कुछ ही लोगों तक ये रहेगा, हमने उसको खोल दिया है, जनता के लिए खोल दिया है। लेकिन ये खोलने के बाद आनन फानन में उन्होंने किया, उस चक्कर में हुआ ये कि ब्लू टिक भी फर्जी अकाउंट्स को मिलने लगे। यहां तक कि एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला और स्पेसएक्स के फर्जी अकाउंट्स को ब्लू टिक मिल गया। इससे दुनिया की एक बड़ी फार्मा कंपनी एली लिली एंड कंपनी को काफी नुकसान भी हुआ। मतलब आप सोचिए शेयर मार्केट में उनकी वैल्यू नीचे चली गई क्योंकि किसी ने ब्लू टिक में उनकी कंपनी का नाम लिख के और फिर उसके बाद इंसुलिन से जुड़ी हुई कोई बात कर दी। ये डायबिटीज के इंसुलिन के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उस चक्कर में लोगों को लगा अरे बाप रे ये कंपनी तो कुछ कर रही है, शेयर एकदम नीचे। बाद में ट्विटर ने ब्लू टिक के सब्सक्रिप्शन को बंद कर दिया और उसे दुरुस्त किया और फिर इसको लॉन्च किया। अब आइए आपको बताते हैं कि फेसबुक के बारे में हम क्या जानकारी जानते हैं। फेसबुक जो है जैसे कि हमने आपको बताया उसका बेस कितना बड़ा है, तो अब आप खुद सोच लीजिए कि जब ये सब्सक्रिप्शन मॉडल हिंदुस्तान में आएगा तो क्या चीजें सुधरेंगी या चीजें उसी तरीके से हो जाएंगी जैसे ट्विटर के साथ हो गया था कि फर्जी लोग एक ब्लू टिक पा जाएंगे और आपको ये लगेगा कि ये तो कोई बहुत विश्वसनीय आदमी है। ये अभी हिंदुस्तान में आना बाकी है और हिंदुस्तान की सरकार, अब देखिए ट्विटर छोटा बेस है, हल्ला बहुत होता है ट्विटर पे, लेकिन यूजर्स फेसबुक के ज्यादा, इंस्टाग्राम के ज्यादा, तो इसको लेकर के भारत की सरकार का रुख क्या होगा ये देखना बहुत जरूरी है। तो आप जान लीजिए कि एक स्कीम आ रही है जिसमें फेसबुक यूज करने के लिए भी पैसे लग सकते हैं। और इस वक्त हम बात करना चाहते हैं ये जो ट्विटर के बाद अब फेसबुक ने भी ये तय किया है, हिंदुस्तान में नहीं आया है लेकिन फेसबुक ने तय किया है कि अब वो भी ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन शुरू करेगा। मनीष महेश्वरी जी हैं, फॉर्मर ट्विटर इंडिया हेड। मनीष जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस मुहिम को? देखिए इसके कई पहलू हैं, एक तो ये है कि इसके देखें कि इसके फायदे नुकसान क्या है। फायदे में ये है कि इन कंपनियों के लिए एक अलग नया रेवेन्यू या राजस्व का तरीका खुलता है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां अपना जो कमाती है वो एडवर्टाइजमेंट या प्रचार विज्ञापन दिखा के कमाती है। तो ये ब्लू टिक देकर पैसे कमाने का एक नया तरीका है, और पहला तो फायदा ये है। दूसरा ये है कि इससे ये होगा कि यू नो कि जो क्वालिटी है कॉन्वर्सेशन की और जो जो कॉन्टेंट की, एटलीस्ट जिन लोगों का वेरीफाई हो रखा है उनसे आप वेरीफाइड लोगों से बात करेंगे तो उनकी तो क्वालिटी इंप्रूव होगी ना। इसका डाउनसाइड यही है कि जो इनकी जो नीतियां हैं, जो इन्होंने जो प्राइस रखा है वो जरूरी नहीं है कि इंडिया जैसे देशों के लिए सही हो, क्योंकि उन्होंने जो प्राइस रखा है डॉलर के लिए और अमेरिका में लोगों के लिए एकदम सही है, लेकिन इंडिया के लिए परचेसिंग पावर पैरिटी देख के इनको करना पड़ेगा। ट्विटर ने भी ये स्टार्ट किया था लेकिन उनको लगा कि उनको जब उनकी अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने इसको बैक ट्रैक करके फिर अभी सस्पेंड करके वापस रीस्टार्ट किया है। तो हमें देखना पड़ेगा कि इसके फायदे नुकसान क्या है, लेकिन एक ये नई इनिशिएटिव या नई पहल है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू काफी प्रेशर में है क्योंकि ग्लोबल रिसेशन है, बड़ी कंपनियां विज्ञापन पे इतना पैसा खर्च नहीं कर रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष महेश्वरी जी।